हेलो हाय, वेलकम टू इंट्रोवर्ट लाइफस्टाइल। आज मैं जा रही हूँ फिनिक्स मॉल, और फिनिक्स मॉल में अभी हम लोग कार पार्क करके आज मैंने प्लान किया है होम सेंटर जैसे होते हैं होम डेकोर के आइटम, गिफ्ट आइटम, वो सब शॉप में विज़िट करने वाली हूँ। फिनिक्स मॉल में जाते ही मैंने देखा ये क्या लाइन से लोग खड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ कोई कहीं भी खड़ा हुआ है और इतने सारे लोग हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मैं कहीं भीड़ में मंदिर वंदिर टाइप आ गई हूँ, इतनी भीड़ थी यहाँ पे। तो फिर हम लोग जैसे अंदर गए, वहाँ पे एक मतलब ग्राउंड फ्लोर पे था एक, मैंने देखा तो वो बॉम्बे स्टोर ऐसा कुछ तो नाम है इसका। तो यहाँ पे मैंने देखा तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इतने महंगे महंगे थे कि मैं सोची कि नहीं, इन लोग से पूछना ही बेकार है, इतने महंगे महंगे। छोटी सी छोटी मूर्ति 500 600, ये तो इतने अच्छे अच्छे हैं, तो ये तो आराम से 1500 1600 के थे। लेकिन मेरे को लगता है ये अगर बाहर मैं लूँ तो थोड़े कम में पड़ जाए, क्योंकि ये दुकान में तो बहुत महंगा था। फिर हम लोग गए बीन बैग के शॉप में, और बीन बैग वाले के पास तो इतना मज़ा आ रहा था, ये तो उस पर बैठ के जंप किए जा रही थी, जंप किए जा रही थी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, हम लोग को यहाँ पे तो बस बीन बैग ही पसंद आया। बीन बैग का प्राइस 2100 था। तो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया मार्केट 99, फिनिक्स में है मार्केट 99। इधर तो मैं बोलूँगी विजिट करना ही ज़रूर अगर जा रहे हैं तो। इतना अच्छा अच्छा टॉयस, ये सारे टॉयस मिनीशो और ये वो वहाँ यहाँ से अगर लेंगे तो बहुत महंगा है, यहाँ पे जस्ट 350 400 500 500 के अंदर सारे टॉय थे। और वॉल हैंगिंग के लिए इतने अच्छे अच्छे आइटम और इतने मस्त मस्त वॉश थे, और आर्टिफिशियल प्लांट था, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो सोच रही हूँ ना कि अगर मैं इन फ्यूचर में अपना घर कुछ अच्छे से कुछ करूँ तो मैं यहीं से आइटम लूँगी। ये साइड टेबल के लिए जो कैंडल के लैम्प होते हैं वो सब, और वॉल पे हैंग करने के लिए आइटम, हर एक चीज़ सेल पे, और इतने कम कम में। ये इतने सुंदर सुंदर दिख रहे हो, वो 600 से सात स्टार्टिंग है और 800 के अंदर इतने सुंदर सुंदर पीस है। मैं तो बोलती हूँ, मैं आइकिया गई थी, आइकिया में भी मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा जितना मेरे को यहाँ पे लगा। हर एक आइटम आइकिया में भी मैंने ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट देखे थे, जो मेरे आइकिया वाले वीडियो उसमें देख लेना, वो तो इतने महंगे 700 800, यहाँ पे तो 200 300 बस ऐसे ही था। और ये जो साइड में बेड लैम्प रखे रहते हैं वो भी बहुत अच्छा अच्छा था। मेरे को तो लगा ना ये ओवरऑल पूरे फिनिक्स मार्केट में मतलब फिनिक्स मॉल में यही सबसे सस्ता है और सबसे बेस्ट है। मेरे को तो सबसे बेस्ट यही लगा, यही दुकान। और ये सारे जो मग हैं, ये कितने कप वाले 150 200 यही रेंज में है, लेकिन मैं पास से अगर बोलूँ ना देखने के लिए तो बहुत ही अच्छा, बहुत मस्त, मतलब बहुत मस्त। हर ये 99 मार्केट वाले स्टोर में ना हर एक चीज़ थी, ऐसा नहीं था कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है। बुक से लेके टॉयज से लेके चॉकलेट से लेके हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़। और ये जो साइड टेबल पे डेकोर करते हैं, डाइनिंग टेबल डेकोर करते हैं ना, तो वो वाले भी आइटम थे जो मैंने आज तक मतलब ये आइकिया में मेरे को नहीं देखने को मिला था, मैंने टीवी में या फिर किसी के होम डेकोर या ऐसे टाइप में ही मैंने देखा था। ये इतने अच्छे अच्छे आइटम मेरे को तो कहीं नहीं दिखा। एक होम सेंटर था, जो कि होम सेंटर बहुत कॉस्टली है, मैं होम सेंटर भी गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा कॉस्टली था, मेरे को लगा कि नहीं ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए तो इतना स्पेंड करने से अच्छा ये मार्केट में ही, मतलब ये वाले स्टोर में ही मैं आके पर्सनली ले लूँ। और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, हर एक चीज़ था। होम सेंटर में क्या है, आप लोगों को टॉयज़ बुक ये वो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे टॉयज़ बुक हर एक चीज़ था। मतलब मेरे को तो लग रहा था ना कि यहीं पे पूरा दिन ले लो, तो मेरे को हर एक आइटम वहाँ का अच्छा लग रहा था, और प्राइस लग रहा था कि हाँ एकदम बराबर है। कि हर मतलब ये देख सकते हो आप कांच का कितने अच्छे से है, और वो एयर टाइट कंटेनर है पूरा, वो साइड में सिलिकॉन रबर लगा है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। तो मेरे को लग रहा था कि अगर मेरे पास पैसे है तो मैं पूरा ही खरीद लूँ, इतना मज़ा आ रहा था। मेरे को ये सब देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे लगता है कि हाँ ये देखो जो जो जार दिखा रही हूँ ना मैं, वो भी बहुत अच्छा था। जस्ट 300 से स्टार्टिंग है, और जस्ट स्टार्टिंग है और प्राइस मैक्स टू मैक्स 400 तक ही है। तो यहाँ पे ये पूरे जो वो पॉट रखते हैं स्टाइलिश वाले, वो सब
मतलब इसमें खुद के मतलब जो छोटे छोटे प्लांट हैं वो लगा सकते हैं हम लोग। और मेरी बेटी को तो समझ में नहीं आ रहा था टॉयज़ कौन सा लूँ, उसका हमेशा का ऐसे रहता है कि ये टॉय वो टॉय ये टॉय, इन शॉर्ट उसको पूरा चाहिए। जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे को ये सब पूरा चाहिए, ये सोप डिस्पेंसर का जो भी लिक्विड वाला बहुत अच्छा लग रहा था, हर एक आइटम बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पे। तो मैं तो बोलती हूँ अगर फिनिक्स विज़िट कर रहे हो तो यहाँ पे ये 99 मार्केट वाले स्टोर में ज़रूर विज़िट करना, आइकिया फेल है इसके आगे, और जितने भी होम डेकोर के थे साथ। लेकिन हाँ थोड़ा तो भीड़ रहेगा इसमें, ये शॉप में भीड़ तो था लेकिन मेरे को लगा वर्थ है प्राइस के हिसाब से, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा था। फ़ोटो में भी देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे आइटम हैं इनके पास, मेरे को तो लग रहा था बस पूरा टाइम देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। और लेकिन मैंने आज जितने भी थे फिनिक्स में मैंने सबको कंपेयर किया, ये सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट था। एक हर एक चीज़ मतलब ये वुडन के जो है चमटे वमटे वो सब बहुत अच्छे अच्छे थे वहाँ पे, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं तो यहाँ से लेने वाली हूँ बट मे बी आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान है अपना, तो मैं यहाँ से लेने वाली हूँ। और मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरा फेवरेट हो गया ये स्टोर। मैं सारे होम डेकोर के आइटम घूम घूम के देख रही हूँ ना, तो मेरे को लगा कि नहीं ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा। और प्राइस वाइज हर एक चीज़, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे और यूट्यूब पे भी बहुत सारे देखती हूँ कि होलसेल वाले ये वो, असलियत में वो होलसेल वाले देते नहीं हैं, और देते भी हैं तो इतना महंगा देते हैं कि पूछो मत, और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहती। और ये मैं आग के सामने देख रही हूँ कि क्वालिटी कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है। और ये सबसे ज़्यादा मेरे को ये बहुत क्यूट क्यूट लगा, नमकीन के डब्बे, चाय के डब्बे, टी के डब्बे, ये सब ये बहुत स्टाइलिश लगता है और किचन को बहुत मस्त, मतलब किचन का लुक ही चेंज हो जाता है वो नॉर्मल प्लास्टिक के डब्बे रखने से या कांच के डब्बे रखने से। अच्छा ये बहुत अच्छा है, ऐसे पेपर बिना स्टिक किए नमकीन लिखा है या चाय लिखा है ये सब, और ये कितना अच्छा है, हर एक चीज़ मिल रहा है वहाँ पे, तो मेरे को तो बहुत ही पसंद आ रहा था। ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये मिक्सचर जार, ये फिनिक्स में और एक है, वन स्टॉप नाम है उसका, तो ये वहाँ पे है, तो मैंने वहाँ का भी रिकॉर्ड किया। वहाँ पे ना आपको बर्तन और कांच के आइटम ये सब मिल जाएंगे, लेकिन प्राइस मैं बोलूँ तो ये आइकिया के ही प्राइस के हिसाब से है। जो आइकिया में रेंज है ना ये सेम, ये जैसे एक कप है ना 450, 400, 500, ये सारे मतलब वन बॉक्स ऐसे मिलेंगे, और ये सेम मेरे को आइकिया का ही प्राइस लगा। लेकिन थोड़ा मेरे को प्राइस अगर 99 से कंपेयर करूँ 99 मार्केट से, तो हाँ ये थोड़ा महंगा है। और जो 99 में कप थे वो 150 का था कुछ, बट यहाँ पे 350 ऐसे हैं, तो ये डबल द प्राइस लगा मेरे को। और लेकिन इन लोग के पास कलेक्शन और भी ज़्यादा है, मतलब बहुत स्टाइलिश कलेक्शन है, तो इन लोग के पास तो अच्छा है लेकिन महंगा है। मेरे को ये डस्टबिन बहुत अच्छा लगा, एक बार ऐसे दबाओ तो ये स्लो शटर है, एकदम स्लो मतलब बंद हो रहा है, तो मेरे को वो अच्छा लगा। इन लोग के पास भी अच्छे खासे कलेक्शन है, लेकिन वही फिर वापस बोलूँ तो मैं प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको लगे कि आप अगर इन दोनों में से कहीं शॉपिंग किए रहेंगे तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना आपको कौन सा अच्छा लगा, या तो फिर मेरे को ये बताना मुंबई में होम डेकोर के लिए सबसे अच्छे आइटम कहाँ मिलते हैं, क्योंकि मेरे को वो लेने का था होम डेकोर के आइटम, मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली। तो इसके लिए अगर आप लोगों को मालूम है कहाँ पे है मिलता अच्छा तो मेरे को बता देना। मैंने तो फिनिक्स में पूरा चेकआउट कर लिया एंड 99 मेरे को एकदम अफोर्डेबल लगा और सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट लगा। और यहाँ पे इतने सारे टिफ़िन ये वो, एक टाइम पे तो मैं इतना पूरा फिनिक्स चेकआउट कर ली कि मेरे को एकदम पक गया था, मेरे को लग रहा था जल्दी देखो अब बस ख़त्म करो, अब और नहीं देखा जाता है, बोर हो रहा है, अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बहुत महंगा लगा। बस एक ही जगह मैंने जो फुल इंटरेस्ट में देखा है तो वही स्टोर था जो 99 वाला था, फिनिक्स में एक कॉर्नर में है, अगर आप जाओगे तो एक बोर्ड रहेगा वहाँ पे देख सकते हो, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा है। ये स्टील के बर्तन तो इतना छोटू सा एक टिफ़िन था जो मतलब इजीली पॉकेट में आ जाए हम लोग के, वो छोटू सा टिफ़िन भी यहाँ पे ना 250 का था, मेरे को लगा इससे अच्छा मैं अपने पॉकेट में रख के चना या मूंगफली लेके चली जाऊँ आराम से खा लूँ। चलो मिलते हैं, बाय बाय।